बहुत सारी डिलेस और एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद इंडियन एयरफोर्स फाइनली इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड अर्जुन मार्क 1A हंटर किलर्स के 118 टैंक्स का ऑर्डर देने वाली है। इन टैंक्स में ऑल वेदर कैपेबिलिटी है और ये अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1 से ज़्यादा बेटर फायर पावर और स्टेबिलिटी वाले टैंक्स हैं। आर्मी सोर्सेस ने बताया है कि अर्जुन मार्क 1A जिसका वजन 68 टन्स है और ये 120 मिलीमीटर मेन गन को फीचर करता है, इसने अपने सभी टेस्ट को क्लियर कर लिया है और अब DRDO के साथ इसकी कॉस्ट नेगोशिएशंस भी पूरी हो गई हैं और इसके बाद अब इंडियन आर्मी इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहती है जो कि बहुत जल्द हो जाएगा। ये खबर चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE के लिए एक बड़ा बूस्ट है जो कि DRDO की एक लैब है। यही लैब अर्जुन मेन बैटल टैंक को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A में 14 मेजर इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं जिन्हें की आर्मी चाहती थी। ये इम्प्रूवमेंट्स इस टैंक को इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सेल्फ प्रोटेक्टिव टैंक बना देंगी। DRDO का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 30 मंथ्स के अंदर अंदर ही फैक्ट्रीज पहला टैंक रोल आउट कर देंगी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पहली 4 अपग्रेड्स टैंक की फायर पावर में की गई हैं, इसके साथ और भी डेवलपमेंट्स की गई हैं जिसमें एक नया ट्रांसमिशन सिस्टम शामिल है। अर्जुन मार्क 1A में एक इम्प्रूव्ड गनर मेन साइट है जिसे कि ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इन सिस्टम्स के लग जाने के बाद अब टैंक क्रू अर्जुन के चलते वक्त भी चल रहे टारगेट्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर पाएगा और उन्हें एंगेज भी कर पाएगा। अर्जुन मार्क 1A की गन एक कंप्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती है जिससे कि टैंक दुश्मन के टैंक को देखने के बाद सबसे पहले फायर करने की कैपेबिलिटी भी रख पाएगा। अर्जुन मार्क 1A की गन में डे एंड नाइट स्टेबलाइज्ड साइट्स भी होंगे जिसमें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर लग जाने के बाद अब ये हर तरह की कंडीशंस में भी एक्यूरेट एंगेजमेंट कर पाएगा, यानी कि अगर रात हो या दिन हो हर किसी कंडीशन में ये दुश्मन के टैंक को तबाह कर पाएगा। अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A कन्वेंशनल फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पेसिंग डिस्कार्डिंग सैबट और हाई एक्सप्लोजिव कैश हेड एमिनेशन फीचर करेगा। इसके साथ ही अर्जुन मार्क 1A में थर्मोबैरिक और पेनिट्रेशन ब्लास्ट एमिनेशन भी लगा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट क्या है। अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट मिड 1970s में शुरू किया गया था। इस टैंक की पहली 2 रेजिमेंट्स 2004 में आर्मी में डक्ट करनी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी इंडियन आर्मी इस टैंक से खुश नहीं थी। इंडियन आर्मी का कहना था कि इस टैंक का वजन भी ज़्यादा है और इसके कुछ पार्ट्स में इश्यूज भी हैं और इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। 2010 के इंडियन आर्मी द्वारा किए गए डेजर्ट ट्रायल्स में अर्जुन मेन बैटल टैंक ने रशियन T-90 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन इंडियन आर्मी इसके रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी और इसके वेट को लेकर खुश नहीं थी। इंडियन आर्मी का कहना था कि इस मेन बैटल टैंक का 62.5 टन्स का वेट इस टैंक की कैपेबिलिटी को हैंडीकैप कर रहा है। इंडियन आर्मी का कहना है कि इसके ज़्यादा वजन होने के कारण पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक रोड्स, ब्रिजेस और कैनल्स के ऊपर इस टैंक को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2010 में इंडियन आर्मी ने इसके एक इम्प्रूव्ड वर्जन को प्रपोज किया था जिसे कि अर्जुन मार्क 2 कहा जाता है। इसमें 80 इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी जिसमें 15 मेजर इम्प्रूवमेंट्स होंगी, लेकिन इन इम्प्रूवमेंट्स के साथ भी इस टैंक का वजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही इंडियन आर्मी चाहती थी कि इस नए टैंक में कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल्स हों। 2012 में जब DRDO ने अर्जुन को ट्रायल्स के लिए ऑफर किया था जिसमें मेजर एनहांसमेंट्स भी की गई थी, लेकिन इंडियन आर्मी तब भी इसमें एक कमी थी, इसमें एक कैनन लॉन्च्ड गाइडेड मिसाइल सिस्टम नहीं था। इंडियन आर्मी चाहती थी कि इस टैंक में ये कैपेबिलिटी हो क्योंकि बाकी के सभी टैंक्स जैसे कि T-90 टैंक, उन सभी में ये कैपेबिलिटी है। DRDO ने तब इजरायली कंपनी से मदद लेने की कोशिश की। DRDO ने इसराइल से लाहत CLGM मिसाइल खरीदने की कोशिश की जो कि 2 से 5 किलोमीटर दूर टारगेट्स को हिट कर सकती थी, लेकिन इंडियन आर्मी को वो मिसाइल चाहिए थी जो कि 1.2 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को हिट कर सके, लेकिन इजरायली ऐसी मिसाइल को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इसके कारण DRDO ने अपनी खुद की इंडिजनस कैनन लॉन्च गाइडेड मिसाइल बनाने का काम शुरू कर दिया। DRDO और आर्मी के बीच मार्च 2018 में बातचीत हुई जिसके बाद
अर्जुन मेयर बैटल टैंक के एक बैच को मैन्युफैक्चर करने का अग्रीमेंट किया गया, जिससे कि मार्क 1A कहा गया था, जिससे कि मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी के बिना सप्लाई किया जाएगा। डीआरडी का कहना है कि कैनल लॉन्च गाइडेड मिसाइल को इंडिजिनसली बनाने की कोशिश चल रही है और मार्क 1A की प्रोडक्शन शुरू होने तक इस मिसाइल को मार्क 1A टैंक के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जब उनसे मार्क 1A के वजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका वजन अभी भी ज़्यादा है, लेकिन इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसके वजन का प्रेशर इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर कम पड़ता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।